अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमरान अली हियर, न्यू सिटी फेज वन ब्लॉक बी आपकी नज़रों के सामने बोर्ड लगा हुआ है, शायद दूर से नज़र ना आए लेकिन करीब जाते हैं और इसके सामने मस्जिद है और ये इसका बाएं तरफ का व्यू, हमने इस तरफ जाना है लेफ्ट साइड को, तो आइए चलते हैं। मेन रोड से हमने लेफ्ट को हो जाना है, वो रीवा माल वन के बिल्कुल सामने लेफ्ट साइड पे मुड़ जाते हैं और अब हम दाखिल हो चुके हैं ब्लॉक बी, इसे शफीक रोड भी कहते हैं। न्यू सिटी फेज़ वन ब्लॉक बी और शफीक रोड, ये मेन उसका रोड है, ये बाएं तरफ मार्केट है छोटी सी। तो सबसे पहले हम स्ट्रीट वाइज चलते हैं, ये हम लेफ्ट को मुड़ गए हैं तो ये स्ट्रीट नंबर वन है, ये जो मेन स्ट्रीट है यही स्ट्रीट नंबर वन है। न्यू सिटी फेज वन, ये इसका ब्लॉक बी और स्ट्रीट नंबर वन इस वक्त आप उसकी विजिट कर रहे हैं जनाब। तो सबसे पहले स्ट्रीट नंबर वन की आपने देखी, अब स्ट्रीट नंबर टू में आप दाखिल होंगे, ये स्ट्रीट नंबर टू का बोर्ड लगा हुआ है, तो स्ट्रीट नंबर टू, स्ट्रीट नंबर टू ब्लॉक बी न्यू सिटी फेज वन, ये इसका एंड है। अब हम इससे निकल कर दोबारा स्ट्रीट नंबर वन में आ चुके हैं और अब हम जाएंगे इंशाल्लाह स्ट्रीट नंबर थ्री में। अब हम दाखिल हो चुके हैं स्ट्रीट नंबर थ्री ब्लॉक बी न्यू सिटी फेज वन। न्यू सिटी फेज वन ये वाक़ है जनाब वाकेंट के अंदर और तहसील इसकी टेक्सला, डिस्ट्रिक्ट इसका रावलपिंडी, सूबा इसका पंजाब और मारे प्यारे वतन का नाम, माय डियर होमलैंड, माय स्वीट होमलैंड, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो ये स्ट्रीट नंबर थ्री का एंड आ गया, यहाँ से वापस होते हैं, यहाँ से मेन फिर हम स्ट्रीट नंबर वन पे आ गए हैं और अब वापस हम मेन चौक पे आ गए हैं ब्लॉक बी के और लेफ्ट साइड को होंगे तो ये बाएं तरफ बोर्ड लगा हुआ, ये घास के अंदर है, नज़र नहीं आ रहा, स्ट्रीट नंबर फोर, स्ट्रीट नंबर फोर ब्लॉक बी न्यू सिटी फेज़ वन। तो न्यू सिटी फेज़ वन मैं आपको बता रहा था कि न्यूली डेवलप्ड ये कॉलोनी है और बहुत वेल प्लान्ड है, ह्यूज इसका एरिया है और बहुत ही इसकी मार्केट तेज़ी से ऊपर जा रही है। आप देख रहे हैं ज़्यादातर मकान बने हुए हैं, कुछ दरमियान में खाली हैं, तो फॉर सेल भी हैं यहाँ पर, ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी महंगी है और वहाँ की टॉप जो है हाउसिंग कॉलोनी वो तो यकीनन कोहिस्तान इनक्लेव है और उसके बाद न्यू सिटी है, ये स्ट्रीट नंबर फोर का एंड है और इसके सामने एक मार्केट है, मैंने बताया था ये इसको करीब से देखें, स्ट्रीट नंबर फोर के बिल्कुल सामने और शफीक रोड पर यानी बी ब्लॉक के बिल्कुल चौक के साथ। तो अब चौक के हम इस तरफ मुड़े हैं और स्ट्रीट नंबर फाइव में हमने जाना है, स्ट्रीट नंबर फाइव जनाब, ये सामने बोर्ड लगे हुए हैं स्ट्रीट नंबर फाइव ब्लॉक बी और इसमें हम मुड़ चुके हैं न्यू सिटी फेज़ वन। तो बता रहा था कि न्यू सिटी फेज़ वन जो है वो इमर्जिंग कॉलोनी है, तेज़ी से ऊपर जा रही है, इसकी मार्केट वैल्यू बहुत तेज़ी से, प्रॉपर्टी वैल्यू बहुत तेज़ी से ऊपर की जा रही है और ये बहुत ह्यूज प्रोजेक्ट है, बहुत ह्यूज। इसका ब्लॉक ए बी सी डी ई एफ और वो जेड तक आ चुका है और इसी का जो एंडिंग ब्लॉक है वो अब फैसल हिल के साथ मिल चुका है और इसी तरह ये अटैच किया गया कोहिस्तान इनक्लेव के साथ भी। तो ये बहुत ही शानदार हाउसिंग स्कीम है, हाउसिंग कॉलोनी है, स्ट्रीट नंबर फाइव का एंड है और एंड पे
एक मस्जिद बनी हुई है जनाब, ये भी अभी बन रही है, स्ट्रीट नंबर 5 की मस्जिद। चलिए वापस होते हैं। अब वापस हम मेन पे आ चुके हैं और अब हमने जाना है स्ट्रीट नंबर 6 के अंदर। हम सैर कर रहे हैं स्ट्रीट नंबर 6, ब्लॉक बी, न्यू सिटी, फेज 1। न्यू सिटी फेज 1 इज लोकेटेड इन द सिटी ऑफ एक्सेलेंस वाकेंट, और वाकेंट is popular, is well known city for its excellent literacy rate that is almost 100%. तो ये जनाब आप स्ट्रीट नंबर 6 के अंदर, आप चलें यहाँ से हम, एंड आ गया तो वापस चलते हैं, मेन पे आ गए और अब स्ट्रीट नंबर 7 पे हमने जाना है। स्ट्रीट नंबर 7, ब्लॉक बी, न्यू सिटी फेज 1। ये कोई इतनी ज़्यादा लंबी स्ट्रीट नहीं है, इसलिए हम जल्दी से बाहर निकल आए। और अब इस स्ट्रीट का बोर्ड कोई नहीं लगा हुआ स्ट्रीट नंबर 8 का, तो बहरहाल इसके अंदर दाखिल होते हैं। स्ट्रीट नंबर 8, मैं आपको सैर करवाता हूँ आपके शहर के मुख्तलिफ हिस्सों की, तो हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स में ज़रूर शाबाशी दे दिया करें, वीडियो को लाइक भी किया करें, इससे रीच बढ़ती है और लोगों तक वीडियो पहुंचती है, और इसके अलावा शेयर भी करें, और इसके अलावा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। और मेरी दिली दुआ है आप जहां रहें खुश रहें, अपने वतन का नाम रोशन करें। चलें जी वहां से वापस निकलते हैं स्ट्रीट नंबर 9 की तरफ। ये इस जगह पर स्ट्रीट नंबर 9 ये बोर्ड लगा हुआ है, और इससे आगे स्ट्रीट जो है वो डिवाइड हो चुकी है, स्ट्रीट नंबर 9 ए बी सी डी और ई तक ये बोर्ड लगे हुए हैं। स्ट्रीट नंबर मैंने बताया कि 9 जो है फर्दर डिवाइडेड है, स्ट्रीट नंबर 9 ए बी सी डी और ई, ई जो है वो 9 ई जो है इसका एंडिंग पॉइंट है इस जगह का। चैलेंज जी अब स्ट्रीट नंबर 10, और वो बिल्कुल उस पर आपको मैं लेके जाता हूँ, ये ज़रा स्ट्रीट नंबर 9 ई एंड हो जाए, ये देख लें यहाँ से निकल के स्ट्रीट नंबर जो 10 है वो बिल्कुल शुरू में है। शुरू से मराद है ये जो ही हम ब्लॉक बी में दाखिल होते हैं तो ये दाएं तरफ आपके स्ट्रीट नंबर 10 है। तो स्टे ब्लेस्ड।